हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ उज्जवल और आप लोग के लेके आया ओपनिंग एपिसोड। तो गाइज, ये एपिसोड होने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, इसलिए आप लोग इस एपिसोड को शुरू से एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगी गाइज, तो इस एपिसोड को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लेना, जिससे कि हमारे हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइज, इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं वो आर्मी जो कि सबसे परफेक्ट आर्मी और सबसे पावरफुल आर्मी मानी जा रही है टाउन हॉल 13 के आने के बाद। तो आइए देखते हैं सबसे पावरफुल आर्मी कौन सी मानी जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सबसे पावरफुल आर्मी मानी जा रही है ड्रैगन आर्मी, क्योंकि आप लोगों को थंबनेल में दिख ही रहा था गाइस, यहाँ पे 312 प्लस हमारे क्लैन से नवाब भाई ने किया था। तो यहाँ पे देखिए, 9 ड्रैगन, 1 इलेक्ट्रिक ड्रैगन, 14 लून्स की मदद से आप 3 स्टार इजिली कर सकते हो लेजेंड लीग में टाउन हॉल 13 के आने के बाद। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, तो ये स्पेल कौन सा यूज़ करना है आप लोगों को, 2 रेज स्पेल, 1 फ्रीज स्पेल और 2 क्लोन स्पेल, और सीसी में आप लोगों को लून्स एंड रेज ले जाना है, और जो भी आपको सही लगे वो सीज मशीन आप यूज़ कर सकते हो उस आर्मी में। तो गाइज, वो आर्मी से नितेश भाई ने जो अटैक्स किए उनके अटैक्स के रिप्ले हम लोग देखेंगे एक अपने छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइज आइए देखते हैं उस अटैक्स के रिप्ले। While you and me
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Temptation within, mistake.